रोज रोज क्या दाल चावल, कभी तो मटन बनाया करो। ये दाल भी कितनी फीकी बनी है। मैं दिन रात इतना कमा के लाता हूँ, फिर भी मुझे खाने लायक खाना भी नहीं मिलता। 3 दिन से घर में खाना बनाने के लिए नमक नहीं है। पड़ोसी उनसे नमक मांग मांग के खाना बना रही थी, अभी तो उनको पूछने में भी शर्म आती है। और ये तुम्हारे अब्बू जान, उनको मटन खाना है, उन्हें पूछो, उन्हें पता भी है मटन की कीमत क्या है। उनके एक रोज की कमाई भी कम पड़ जाएगी एक वक्त के मटन के लिए। मटन नहीं तो ढंग की सब्जी तो खिला, इतना तो कमा ही लेता हूं मैं। अच्छा, कितना कमा लेते हो तुम? तुम्हारी तनख्वाह महीने में सिर्फ 15 दिन चलती है। पता नहीं बाकी के दिन हम कैसे गुजार लेते हैं। 15 सालों में ना ही नौकरी में बढ़ती ना तनख्वाह में बढ़ावा, कुछ नहीं हो सकता। मैं कम कमाता हूँ तो घर में टीवी और नफीसे के लिए फोन कहाँ से लाता? क्या अब्बू, कौन सा, ये वाला? आप इसकी बात कर रहे हो? ये आपने मेरे लिए खरीदा है? ये आप पहले इस्तेमाल करते थे, फिर अम्मी और अब मैं। बिगड़ चुका है ये, ठीक करवाने के पैसे मांगू तो कहते अगले महीने करवा लेना, पर ये ठीक होने के काबिल भी नहीं है। आपको पता है मुझे कैसे लगता है कॉलेज में ये फोन लेके जाने के लिए? आजकल के फोन देखे हैं आपने? स्मार्टफोन होते हैं स्मार्टफोन। आपके सारे पैसे कम पड़ जाएंगे वो खरीदने में। आप मेरे लिए एक फोन नहीं खरीद सकते? पढ़ने जाते हो या फोन दिखाने? जरूरत क्या है नए फोन की? तुम कहाँ होते हो ये जानने के लिए मैंने तुम्हें फोन दिया है। और क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? मैं तुम्हारे लिए ये नहीं करता वो नहीं करता, तुमसे तो अच्छा रिजवानी है, वो तो मुझसे बात ही नहीं करता। और जितना मुझसे होता हो उतना मैं करता हूँ, दिन भर घर घर जाकर पॉलिसी बेचता हूँ, तब जाके तनख्वाह आती है मेरी। तुम्हारे लिए जितना भी करो कम ही है ना? घर चलाना तुम्हें आना चाहिए। आज कहोगे नमक चाहिए, कल कहोगे कार चाहिए। तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है ना? बस अब्बू बस, पैसा ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। आपकी कम कमाई की वजह से हम हमारे सपने मारते हुए जीते आए हैं। बचपन से लेके आज तक किसी भी चीज की चाह की तो आपकी तरफ, आपकी कमाई की तरफ देखकर मुंह बंद कर वैसे ही हम जीते आए हैं। अम्मी ने पिछले कई सालों से एक नया सलवार तक नहीं खरीदा है। जैसे तैसे पैसे बचाकर रोज हमें खाना खिलाती है, इसलिए इन सब से परेशान होकर हम जहां जिस लेवल पर जी रहे हैं वहां से उठने की कोशिश की मैंने, पर उड़ते हुए पंछी के पंख काट दो। वैसे आपने मुझे इंजीनियरिंग के बजाय बीएससी करवाने पे मजबूर कर दिया। आपकी आमदनी इतनी कम थी कि कोई बैंक लोन देने पे इतरा रही थी, पर आपको क्या, नहीं तो नहीं, आपने सपने देखे ही नहीं और हमें देखने की इजाजत भी नहीं। अब आप कहोगे मैं कहां कम पड़ गया, मेरे कैपेसिटी में जो था वो किया, जो भार उस भीड़ में हर एक करता है। और कहोगे अपने बेगम को मेरे औलादों को मेरी कीमत नहीं। अरे होगी क्यों, कीमत तो तब होगी ना जब आप एक अच्छे वालिद और एक अच्छे शौहर होते। ऐसा इंसान जो अपने परिवार के सपनों के लिए कुछ ऐसा कर जाता जो उसे उस भीड़ से अलग खड़ा कर देता,
ये सब कुछ पैसे का खेल है। आपके इंश्योरेंस का क्लेम और चेक।